यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के होटल पर चला बुलडोजर। यह होटल मुख्तार की पत्नी और बेटे के नाम पर है। डीएम की अध्यक्षता वाले 8 सदस्य बोर्ड ने होटल मालिकानों की अपील को खारिज कर दिया था। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 5,000 से ज्यादा कोरोना केस, 10 राज्यों में 500 से कम मौतें। दिल्ली में एक दिन में सर्वाधिक 5,891 मामले शुक्रवार को सामने आए थे। वहीं गुरुवार यानी कि 29 अक्टूबर को दिल्ली में कोरोना के 5,739 नए मामले सामने आए थे। इसमें पहले बुधवार यानी कि 28 अक्टूबर को कोरोना के 5,673 मामले सामने आए थे। दिवाली से पहले मॉल में लगी भगवान राम की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल के अंदर भगवान राम की बड़ी प्रतिमा रखी गई है। यह प्रतिमा करीब 8 फीट की है। वह भगवान राम की प्रतिमा फिलहाल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग इस प्रतिमा के आगे फोटो और सेल्फी लेते हुए नजर आए। आमिर खान ने तोड़ा कोविड प्रोटोकॉल। बीजेपी विधायक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बता दें कुछ दिन पहले तक आमिर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिल्म के कुछ सीन शूट कर रहे थे, लेकिन गाजियाबाद में उनकी शूटिंग करने पर बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आमिर पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। विधायक ने आमिर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हनी ट्रैप में फंसकर पाक को खुफिया जानकारी भेज रहा था एमईएस कर्मचारी, सीआईडी ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीआईडी ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के कर्मचारी रामनिवास गौडा को निवारू से गिरफ्तार किया। रामनिवास गौडा को हनी ट्रैप में फंसाकर उसके महत्वपूर्ण जानकारियां ली जा रही थी। दो दिन बाद गायब युवती की मिली लाश। परिजन बोले 24 घंटे में न्याय नहीं मिला तो करेंगे सड़कें जाम। परिजनों ने युवती के साथ पहले रेप फिर हत्या किए जाने की आशंका जताई। इसी बीच युवती ने भाई को बताया कि उसकी बहन दो दिन पहले 29 तारीख को दोपहर 2 बजे से घर निकली थी और वापस घर नहीं लौटी थी। मिर्जापुर वेब सीरीज देखकर रची थी निकिता की हत्या की साजिश। आरोपी तौसीफ ने कुबोला जुर्म। इस सीरीज में मुन्ना भैया भी एक तरफा प्यार में एक लड़की स्वीटी को गोली मार देते हैं जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह निकिता को भी मौत के घाट उतारा। अब पंजाब के लिए करो या मरो, हर हाल में चाहिए चेन्नई पर बड़ी जीत। आईपीएल 13वें सीजन में 53वें मुकाबले में रविवार को किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार पंजाब को चेन्नई के खिलाफ हर हाल में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। अयाज सादिक को देशद्रोही घोषित करने की तैयारी में पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी का सच बताने वाले पाकिस्तान नेता अयाज सादिक के पीछे इमरान खान सरकार हाथ धोकर पड़ गई। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक के खिलाफ अब देशद्रोह को केस चलाने की तैयारी कर रही है। फ्रांस में नहीं थम रहे हमले। लियोन में अब चर्च बंद कर रही पादरी को मारी गोली। पादरी पर शाम 4 बजे करीब 2 बार फायरिंग हुई। हमला उस वक्त हुआ जब वह चर्च बंद कर रहे थे। घायल पादरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी तक की जानकारी यहीं तक। डीएनपी इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियोस और ताजा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।